नमस्कार मित्रों, गुजरात खेडूत यूट्यूब चैनल में तमारु स्वागत छे। राज्य में दिवाळीनो तहेवार नजीक आवी रह्यो छे, एवामां हवामान निष्णांत अंबालाल पटेल द्वारा वरसाद ने लईने मोटी आगाही करवामां आवी छे। मित्रों, हवामान विभागना जणाव्या प्रमाणे राज्य में हाल 14-17 तारीख दरमियान भारे वरसाद ने लईने आगाही करवामां आवी छे। आ साथे मित्रों, वात करीए तो राज्य में 18 तारीख थी वरसादनी शक्यता नहीवत छे। जो कि मित्रों, दिवाळीना समय में राज्य में मोटू वावाझोड़ानी शक्यताओ दर्शाववामां आवी छे। तो मित्रों, आगामी समय में राज्यना क्या क्या जिल्ला में भारे थी अति भारे वरसाद पड़शे तेने लईने आपणे आ वीडियो में संपूर्ण समाचार मेळवीशुं। तो वीडियो में आगळ वधीए ते पहेला तमे अमारी चेनल में नवा छो तो चेनल ने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन प्रेस करी लेजो, साथे वीडियो ने अंत सुधी जरूर जोजो। तो चलो मित्रों, आजनो आ वीडियो शुरू करिए। हवामान निष्णांत अंबालाल पटेल द्वारा राज्य में फरी एक वक्त गाजवीज साथ भारे वरसाद अने वावाझोड़ा ने लईने आगाही करवामां आवी छे। अंबालाल पटेल ना जणाव्या प्रमाणे राज्य में 14-17 ऑक्टोबर दरमियान वातावरण में पलटो आवशे, तेमज केटलाक विस्तार में भारे अने केटलाक विस्तार में अति भारे वरसाद पड़ी शके छे। खास करीने जणाव्या प्रमाणे उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र अने दक्षिण गुजरात ना दरियाकांठाना जिल्ला में भारे वरसादनी साथे खूब ज झड़पी पवन फूंकावानी शक्यता छे। राज्य में आगामी 17 तारीख सुधी सामान्यथी लईने भारे वरसाद पड़ी शके छे। 17 तारीख बाद वातावरण में पलटो आवशे, तेमज राज्य में दिवाळीना समय दरमियान भारे थी अति भारे वरसाद, तेमज सामान्य वरसाद अने खूब ज झड़पी पवननी पण शक्यताओ रहेली छे। मित्रों, वात करवामां आवे तो बंगाळना उपसागर में तेमज अरबी समुद्र में नवी लो प्रेशरनी सीस्टम सक्रिय थई छे। आ सक्रिय थयेली सीस्टमना कारणे गुजरात में वावाझोड़ानी असर जोवा मळशे। जो कि मित्रों, वात करवामां आवे तो उत्तर भारत तेमज पूर्व भारत सुधी पण आ वावाझोड़ानी असर थई शके छे तेवी जाणकारी अंबालाल पटेल अने हवामान विभाग द्वारा दर्शाववामां आवी छे। વાત કરવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના જિલ્લામાં ભારે વરસાદની સાથે ખૂબ જ ઝડપી પવન ફૂંકાશે। આ સાથે મિત્રો, વાત કરવામાં આવે તો સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, જૂનાગઢ, પોરબંદર અને દેવભૂમિ દ્વારકા આ તમામ વિસ્તારમાં સામાન્ય તેમજ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ રહેલી છે। દક્ષિણ ગુજરાતના પણ તમામ દરિયાકાંઠાના જિલ્લામાં વરસાદની શક્યતા તેમજ વાવાઝોડાની અસર રહેશે। જો મિત્રો, તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને અમારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પ્રેસ જરૂર કરી